गर्मी हो या सर्दी, किसी भी सीजन में सुकून चाहिए तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, चाय। भाई काम के टेंशन हो या शाम को दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हो, चाय हर एक सिचुएशन में फिट बैठती है। चाय लवर्स को तो चाय पीने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक बकरा है जो रोजाना चाय पीता है, या कहे कि बिना चाय पिए उस बकरे का दिन पूरा नहीं होता, तो शायद आप थोड़ा हंसेंगे और इस बात को मजाक में ले लेंगे, लेकिन ये कहानी सच है। ये किस्सा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का है। लोकलिटी ने बकरा मालिक अब्दुल हमीद से बात की, उन्होंने क्या क्या कहा आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? अब्दुल हमीद। कहाँ पर चाय पिलाने लाते हो बकरे को? मंडी के अंदर बाजार में, पाला बाजार। पाला बाजार चाय पीने का शौकीन है बकरा? बहुत शौकीन। कितने साल से पी रहा है? एक साल से पी रहा हूँ। अब्दुल हमीद इस बकरे को 4 साल से पाल रहे हैं। आसपास के इलाके के सारे लोग इस बकरे को चाय वाला बकरा नाम से जानते हैं। अब्दुल हमीद जब भी इस बकरे को बाजार लेकर जाते हैं ना, तो हमेशा मोहम्मद यूसुफ की दुकान से उसे चाय पिलाते हैं। और खास बात पता है क्या है, जब इस बकरे को घर की चाय पिलाई जाती है तो ये बकरा उसे नहीं पीता, लेकिन अगर बाजार जाता है तो मोहम्मद यूसुफ की दुकान की चाय को कभी मिस नहीं करता। मोहम्मद यूसुफ इस बारे में क्या कहते हैं आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ। यहाँ पर ये बकरा रोज हमारे यहाँ चाय पीने आता है, हमारे होटल के बच्चे को बहुत पसंद है और वो भाईजान खुद लेके आते हैं, पूरी चाय पीते हैं और चाय पिए बगैर जाता नहीं है। है ना ये कहानी बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो हमें 8700866366 पर मैसेज करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए लोकलिटी।